नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो ये कंप्यूटर जीके से संबंधित आपका 23वां टेस्ट है। कौन सा? 23वां। इससे पहले हम लोग 22 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 23वां टेस्ट है और लास्ट टेस्ट है। तो आप लोगों ने अगर कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लीजिए, फिर आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए और इतने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से अपनी जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसे आपको कवर करना है किसी भी हद तक। ठीक है, उसमें आपके 14-15 चैप्टर कवर किए गए हैं और उन्हीं चैप्टरों से संबंधित आपके 23 टेस्ट हैं। कितने? 23। अगर आप लोग उन चैप्टरों को प्लस इन 23 टेस्ट को कवर कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चंस आए आपका किसी भी परीक्षा में, आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, फिर चाहे वो लिखित रूप में हो फिर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव रूप में हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले उन 15 चैप्टर को आपको पढ़ना है। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखे गए हैं, ठीक है, और बहुत ही आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि आपको ये समझ में ना आया है, तो उन्हें देखिए। उसके बाद आप 23 टेस्ट को सॉल्व करिए। इतना करने के बाद आपका कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पूरी तरह से कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 23वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है एक बार। क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्या है? आउटपुट देखने के लिए का प्रयोग किया जाता है मॉनिटर का, इसका मॉनिटर। आपको सब कुछ समझाया गया है, मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, स्कैनर क्या है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर देख लें। और इतना कह सकता हूँ आप, अगर आप लोग एडजस्ट कर लिए उन सभी लेक्चरों को और पढ़ लिए तो आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, और वैसे भी आपको ज़िंदगी में पढ़ना चाहिए यार, तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में पहुंचने वाले हैं। आपको मालूम तो होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मोबाइल क्या है, प्रिंटर क्या है। ठीक है, इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए भी आप लोग याद रखा करिए। CDS का आकार कैसा होता है? क्वेश्चन चार क्या है, CD का आकार कैसा होता है? गोलाकार। क्या है? गोलाकार। क्वेश्चन नंबर चार में आपका सी है। क्वेश्चन है पांच, DTP में निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर सम्मिलित हैं? कोरेल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सभी। पांच में क्या है? डी। अब DTP क्या होता है, कोरेल ड्रॉ क्या होता है, पेज मेकर क्या होता है, सब कुछ समझाया गया है हमें। ठीक है, और जो आपके इस तरह के संक्षेप नाम होते हैं, CPU हो गया, CD हो गया, DTP हो गया, HPP हो गया, इसके लिए हम लोगों ने एक पूरी कवर की हुई है, एक पूरी सेपरेट क्लास इसी पर आधारित। क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत ऊँचे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने एक कवर की है आपकी पूरी क्लास, उसे जाकर भी आप लोग देख लें। क्वेश्चन है छठवां, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर छह में क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका डी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन है हमारा सात, क्या है?
एक्सेल में फाइल खोलने के और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जा सकता है? स्टैंडर्ड का। साथ में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन है 8। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच की इंटरैक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेस। 8 में क्या होगा आपका? ए। 8 में ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 9। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? जावा। 9 में क्या होगा आपका? सी। 9 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। टेक्स्ट को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। बोल्ड। 10 में आपका डी है। 10 में क्या है? डी ऑप्शन। 11। HTML भाषा में बैकग्राउंड कलर देने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है? बीजी कलर। 12। कॉलर। 11 में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन है आपका 12। यदि आप विंडोज 98 यानी कि 98 को विंडोज XP में से बदल दें तो आप वास्तव में कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? अप स्टार्ट, सॉरी अप स्टार्ट नहीं, अपग्रेड। क्या अपग्रेड? 12 में क्या होगा आपका? बी। याद रखिए, अगर अभी तक कहीं मैं मुझसे इस तरह की गलती हो जाती है और अगर मैं क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं देता हूँ, गलती हो जाती है कहीं बाय चांस, मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर बताया जाए। फिर भी अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप उसका क्या करिए कि उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है आपका कि जो आता है, दूसरा आता है, देखता है, अपने साथ जुड़ता है, तो उसे सही आंसर पता चल जाता है। ठीक है, तो इतना कर दिया करिएगा। क्वेश्चन है हमारा 13। WWW का पूरा नाम क्या है? WWW का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आपका W3C। ए ऑप्शन सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। 13 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है हमारा 14। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बी होगा। 15। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम का संग्रह रखता है। सर्वर। 15 में क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन है 16। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 16 में आपका ए। क्वेश्चन है 17। यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर और मल्टी टास्किंग। ए बी दोनों सही हैं इसमें। 17 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 18 आपका। इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? प्रोटोकॉल का। किसका करता है?
लिंकर प्रोटोकॉल केवल URL, तो केवल का प्रयोग करता है। 18 में क्या होगा आपका सी। क्वेश्चन है हमारा 19, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में से संबद्ध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, कॉलम। 19 में आपका बी है। क्वेश्चन है 20, कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को कहते हैं, शट डाउन, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ, ये सभी क्या होगा डी। 20 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है संवर्धित ASCII में कुल कितने कूट होते हैं, 256। डी ऑप्शन आपका सही है, 21 में आपका डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कृत्रिम बोध अपनाने वाली कंप्यूटर भाषा निम्न में से कौन है, लिस्प। 22 में क्या होगा आपका ए। क्वेश्चन है 23, एक्सेल बराबर 20x20 फिर इसका 4x4 फॉर्मूले का मूल्यांकन करेगा और यह उत्तर आएगा, क्या आएगा 400। तेईस में आपका ए, इसे सॉल्व करते रहना ठीक। क्वेश्चन है 24, उपादेन वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है, वर्ड स्टार। 24 में आपका क्या होगा बी। क्वेश्चन है 25, इनमें से किसके प्रसार से पूरा विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो चुका है, सूचना तंत्र। अब आप अपने घर बैठकर कहीं की भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं ठीक है। 25 में आपका सी। क्वेश्चन है 26, प्रोग्राम में ऑप्शंसों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, मेन्यू। 26 में आपका सी है। क्वेश्चन है 27, कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, आइकन, क्या है आइकन। 27 में सी होगा। क्वेश्चन है आपका 28, क्या है कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंटीज होती है, पासवर्ड। 28 में आपका बी। 29, सेव या फिर सेव एज के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, फाइल। 29 में आपका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, क्या होती है बूटिंग। 30 में आपका ए होगा, क्या होगा 30 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर है आपका 31, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर। 31 में आपका डी होगा, 31 में क्या होगा डी। क्वेश्चन है 32, लिनक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, किस किस्म का है, शेयरवेयर। 32 में आपका ए होगा ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए निम्न कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इंसर्ट प्लस स्केप। 33 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है 34। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं? टाइटल बार में। 34 में आपका ए होगा। पैंतीस, पावर पॉइंट में कीबोर्ड की कौन सी की स्लाइड शो दिखाती है? पैंतीस में होगा आपका F5, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 36। MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? बैंक में। 36 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है 37। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। 37 में आपका सी। निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्ट ऑपरेटर एकल है? प्लस प्लस, माइनस माइनस या फिर ये आपका देख, ये आपका विस्मय बोधी, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है? याद रखना, इस तरह से दिख नहीं रहा है लेकिन याद रखिए, इस तरह से आपका, ठीक है? लाठी के नीचे बिंदु रहती है उस तरह से। क्वेश्चन है हमारा 39। जैसे ही उपयोगकर्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइल्स के साथ ऐसे प्रेस करता है, इसे प्रेस करता है तो प्रेसर का प्रयोग करता है। ट्रैक पेड। 39 में आपका डी होगा। 39 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है 40। बाइट 0 और के बीच किसी भी संख्या को निरूपित की कर सकता है? 256, सॉरी 255। 40 में आपका बी होगा, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। का प्रयोग हाथ से लिखे या फिर मौद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, किसे? स्कैनर से। स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे या फिर मौद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिससे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। 41 में आपका सी होगा। 42, वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। 42 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 43। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली। 43 में आपका ई होगा। उसके बाद है आपका 44। पिक्सल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या फिर डॉट, एलिमेंट या डॉट। 44 में आपका ए। क्वेश्चन है 45। वेब पेज फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, वेब पेज फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, HTML। 45 में आपका बी है। 46, माउस के दो मानक
बटनों के बीच स्थित बील का क्या प्रयोग होता है? इस कॉल करना। 46 में आपका ई है। क्वेश्चन है 47। क्या क्वेश्चन 47 हमारा? आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? होस्ट। 47 में आपका ए है। क्वेश्चन है 48। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस होती है। डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय के किसके? माउस के। 48 में आपका ए। क्वेश्चन है 49। पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? DTP। 49 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारा 50, यानी कि लास्ट। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के ही अर्थ वाला स्थानापन्न शब्द ढूंढने के लिए का प्रयोग करें। थिसारस। थिसारस। 50 में क्या होगा आपका? डी। तो चलिए, ये था आपका पूरा कंप्लीट कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान आपका कवर कर चुके हैं हम लोग। इसे मिलाकर एक बुक्स आती है, यानी कि हम लोग एक पूरी बुक्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर कर चुके हैं आपका, उसके बाद हम लोग आपका उत्तर प्रदेश भी कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान भी कर चुके हैं, लूसेंट को कर चुके हैं हम लोग पूरी तरह से, और लूसेंट यानी कि NCERT अभी हमारी चल रही हैं, और इस तरह के मॉक टेस्ट हम डालते रहेंगे। ठीक है, आपके भी क्वेश्चन हुआ करें जो भी, तो या तो फेसबुक पेज पर अपने क्वेश्चन लिख दिया करिएगा, या फिर आप लोग जीमेल जो हमारी दी गई हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप लोग भेज दिया करिए। ठीक है, जो भी होगा आपको इसी तरह से हम लोग मटेरियल देते रहेंगे। ठीक है, एडजस्ट करना है थोड़ा आपको बस। आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर दीजिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक है।